हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सोना चंदन कुमार, एक बार फिर आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो और मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वीडियो बनाने का कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर इस टॉपिक पे मतलब आप लोग भी अगर फैशन डिज़ाइनिंग कर के बारे में आप सोच रहे हैं या अपने घर में किसी को कराना चाहते हैं कि दुनिया में या कहें फैशन की लाइन में सब जाना चाहते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे 12th पास लोग अगर फैशन में जाना चाह रहे हैं या ग्रेजुएशन जिसने कर लिया है वो फैशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चन इस तरीके के उठते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी, या मेरी जो वीडियो है तो आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद क्या स्कोप है, ये मैं आपका क्लियर करूंगी। दूसरा, अगर फैशन डिज़ाइनिंग करें तो कहां से करें, ये मैं आपका क्लियर करूंगी। तीसरी चीज़ ये है कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, अभी बहुत लोगों ने सोचा होगा कि हमारे अंदर स्केचिंग का गुण होना चाहिए, पेंटिंग का होना चाहिए, या हमारी डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, या हमारी सिलाई कढ़ाई हमें बहुत अच्छी आनी चाहिए। इस टाइप की चीज़ें लोग सोचते हैं, लेकिन मैंने जितना महसूस किया अपना मास्टर करके, उतने में मुझे यही पता लगा कि फैशन डिज़ाइनिंग आप करने जा रहे हैं तो आपका हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से मेरी क्लास में ऐसे बच्चे थे जिनके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी थी, जैसे कोई स्केचिंग में बहुत अच्छा था, कोई कलरिंग में बहुत अच्छा था, डिजिटल में बहुत अच्छा था, लेकिन अगर वो इंसान हार्ड वर्किंग नहीं था, अपने प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे टाइम पे, चीज़ों को नहीं करेंगे, तो उतनी अच्छी तरीके से नहीं आएंगे, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, इतने अच्छे से आपको नहीं आ पाएगी। और ऐसे भी मेरे क्लास में बहुत बच्चे थे जिनके अंदर बहुत कम स्किल थी, जिसमें से एक मैं भी थी, लेकिन मैंने इतना हार्ड वर्क किया है अपने कोर्स में कि मतलब मैंने धीरे धीरे, चीज़ें मुझे आती नहीं थी तो मैंने सीखी, मुझे रीडू भी बहुत मिलते थे तो मैंने रीडू भी एक्सेप्ट किए, और बहुत सारा मतलब मैंने मेहनत की। तो उसके बाद फाइनली जब हम फाइनल में थे, तब मुझे लगा कि नहीं, आज कुछ आता है। तो इसलिए फैशन डिज़ाइनिंग जो भी लोग करना चाहते हैं वो बस ये सोच के जाए, उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, इट्स ओके, बट आपको हार्ड वर्क करना है। और तो अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग की लाइन चुनते हैं तो उनको लगता है पता नहीं हम क्या इसमें जॉब करेंगे, कौन कौन सी कंपनियाँ हमें जॉब दे सकती हैं, तो मैं ये भी क्लियर करूँगी। मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे क्लास में 40 या 45 बच्चे थे, हम लोग जब फैशन डिज़ाइनिंग हमने ज्वाइन किया था, तो हम लोग सब कुछ अलग अलग चीज़ें सोच के आए थे। कोई सोच के आया था कि हम ये करेंगे, कोई हम वो करेंगे, हम अच्छे अच्छे गारमेंट पहन के रेड कारपेट पर वॉक करेंगे, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन जब 2-3 महीने हम लोग की क्लास को लगे हो गए, तब हम लोग एक दूसरे का, सारे बच्चे हम लोग चेहरा देखते थे और सोचते थे, मतलब हम एक दूसरे को देख के हंसते थे क्योंकि हम क्या सोच के आए थे और हम वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप चूज़ करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NID से कर सकते हैं, SID से कर सकते हैं, पर्ल अकेडमी से कर सकते हैं, NIFT से कर सकते हैं, इन सारे कॉलेज से आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अदर्स अगर आपको करना है, इन सब के एग्ज़ाम्स होते हैं जो क्लियर करने होते हैं रैंक वाइज, और उसके अलावा बहुत सारे सबकी सिटीज़ में प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें से आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये फैशन डिज़ाइनिंग के ये जो निफ्ट के कॉलेजेस हैं ये कहाँ कहाँ हैं, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि निफ्ट के कॉलेजेस न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल,
गांधीनगर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, इन सारी जगहों पर निफ्ट के कॉलेजेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे एनआईडी के कॉलेज हैं, अहमदाबाद है, कुरुक्षेत्र है, विजयवाड़ा है, और इन सब जगहों पे एनआईडी के कॉलेज अवेलेबल हैं। एसआईडी के कॉलेज पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, नागपुर, नासिक, नोएडा, इन सब में अवेलेबल हैं। नॉर्थन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी है। पर्ल अकेडमी आपकी न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर और बेंगलुरु में है। अगर आप पर्ल से फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो डिज़ाइनिंग में एक डिज़ाइनिंग होती है डिज़ाइनिंग बेस और एक होती है टेक्नोलॉजी बेस। तो डिज़ाइनिंग में है एक बैचलर डिग्री है 4 ईयर की और एक मास्टर डिग्री है 2 ईयर्स की। सेम टेक्नोलॉजी में भी एक 4 ईयर की बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री है। और फैशन डिज़ाइनिंग में आप डिग्री भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं और सर्टिफिकेट्स भी कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग कोर्स क्या होते हैं? अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं, अगर हम बैचलर की डिग्री करते हैं तो हमारे पास ये सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे कोर्स होते हैं। अगर हम मास्टर की डिग्री करते हैं तो हमारे पास ये वाले कोर्स होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप जैसा भी, अब आता है कि अगर आपने फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है तो आप एज अ फ्रेशर होंगे जब आप निकलेंगे कंप्लीट करके, तो आप क्या क्या पोस्ट आपको जॉब मिल सकती है, तो ये सारी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, असिस्टेंट डिज़ाइनर बन सकते। नेक्स्ट आता है कि आपको कौन कौन सी कंपनियां जॉब्स देंगी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अरविंद मिल्स, भारती वर्मार्ट, ये सारी कंपनियां आपको फैशन डिज़ाइनिंग के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ जॉब के लिए। और ये सारे एक्सपोर्ट हाउस हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। शाही एक्सपोर्ट में, न्यू दिल्ली एक्सपोर्ट, ओरिएंट फैशन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आर्ट, इन सब में आप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आप हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद हमको सैलरी क्या मिलेगी। तो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करके निकले, अगर आप फ्रेशर हैं, आपकी फर्स्ट जॉब है, तो आपको 15,000 से 30,000 तक के बीच में सैलरी मिल जाएगी। और जैसे ही आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं 3-4 साल का, 5 साल का, वैसे ही आपको 50,000 से 1 लाख तक की इनकम आपकी हो सकती है फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद। अगर हम अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे ही, तो आप अगर ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे या थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। जैसे कि हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ज़रूरत पड़ती है ये प्रोजेक्ट्स में सब। सेकंड है, आपको कलरिंग करनी थोड़ा आनी चाहिए, मतलब पूरा 3D डार्क टू लाइट, जिससे आपको बहुत आपके कोर्स में आसानी होगी। फैब्रिक पेंटिंग्स आपको आनी चाहिए। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको एम्बलिशमेंट्स आना चाहिए, जो स्वेचेस बनते हैं उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ग्राफिक्स, लोगो डिज़ाइन करना आना चाहिए, क्योंकि आपको अपना लोगो डिज़ाइन करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको ग्राफिक्स बनाने आने चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप किसी पे भी। स्टिचिंग भी थोड़ा बहुत आनी चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ड्रेपिंग आपको आनी चाहिए, या आप सीख सकते हैं, या अगर आप पहले से थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पैटर्न मेकिंग आपको आनी चाहिए, और स्केचिंग आनी चाहिए आपको। शुरुआत में स्केचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये सब चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है।